हेलो प्यारे दोस्तों कैसे हाल चाल हैं उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे अगर अच्छे नहीं हैं तो आज ज़रूर से अच्छे हो जाएंगे वो दोस्त जो किसी भी डिजीज़ के साथ डील कर रहे हैं मैं आपको बताती हूँ मैं अपने आप को कैसे हील कर रही हूँ एंड मैं रिसेंटली डॉक्टर के पास गई थी एंड मुझे डॉक्टर ने क्या बताया वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी मुझे पता नहीं है कि मैं किसके बारे में बात करूँगी क्योंकि मैंने प्रेपरेशन नहीं की है सो जो भी मेरे मुंह में आएगा बोलेंगे या फिर बहुत ज्यादा गला बोलेंगे और कोई सेंस नहीं बनेगी कोशिश करेंगे कि हम टॉपिक के साथ स्टिक करें सो सबसे पहले मैं आपको मेरे बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मुझे पहली बार देख रहे हैं मेरा नाम है सिमार एंड मैं कैलगरी कैनाडा में रहती हूँ एंड ट्वेंटी नाइनटीन में मुझे ऑटो इम्यून कंडीशन uh, डायग्नोज हुई थी रोमोटाइड आर्थराइटस उसकी वजह यही थी कि अचानक से मेरे जोड़ों में दर्द होना शुरू हो गया एक में हुआ दूसरे में हुआ ऐसे था कि जब मैं वॉक करती थी अचानक से uh, किसी भी जॉइंट में ऐसा पेन होगा कि मैं वॉक करना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए अगर मैं वॉक कर रही हूँ नी में पेन हो रहा है दोनों तरफ होना शुरू हो जाएगा और मैं ऐसे तल चलना शुरू कर देती थी जैसे इंडिया में आर्थराइटस वाली बहुत ओल्ड लेडीज़ वॉक करती हैं एंड तब मेरी उम्र थर्टी थी एंड uh, फिर मैं ना डॉक्टर के पास चलेगी मुझे होता है मैं वर्ग हूँ तो so, मुझे होता है कि कोई भी मुझे साइन एंड सिम्टम आता है तो उसका जल्दी से जल्दी मुझे पता लगाना होता है इन्वेस्टिगेशन करनी होती है कि यही क्यों हुआ है सो so, डॉक्टर के पास गई मेरी फैमिली डॉक्टर नहीं थी कोई और डॉक्टर थी उसने मुझे कुछ टेस्ट बोल दिए टेस्ट के बाद मुझे पता चला कि मेरी बॉडी में एंटीबॉडीज मिले हैं एंटीबॉडीज मिलने की वजह से उन्होंने मुझे रोमोटोलॉजिस्ट के पास रिकमेंड किया रोमोटोलॉजिस्ट ने अपने स्पेशलिस्ट टेस्ट करवाए पर ब्लड में कुछ भी नहीं आया एंड पर अल्ट्रासाउंड में पता चला कि मेरे हाथों की जो हड्डियाँ हड्डियाँ हैं उसकी थिनिंग हो रही है जिससे पता चला कि ये रोमोटाइड के अर्ली साइंस हैं पर फिर मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई मैं यहाँ पे एक वीडियो छोड़ सकती हूँ अगर आप देखना चाहें तब मेरी हालत कितनी ज़्यादा ख़राब थी आ, मेरे पास बच्चा था जिसे मुझे स्कूल भेजना होता था सुबह उठ के पर मेरे लिए उठना मुश्किल था कुछ भी करना मुश्किल था हाथ बंद करके ब्रश करना वॉक करना सब कुछ बहुत मुश्किल हो गया था बहुत ज्यादा सैड थी मैं कि यार आगे हो गया एंड फिर मुझे डॉक्टर ने मेडिकेशन दी एक ही गोली दी उसने मुझे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन uh, एंड उन्होंने बोला कि मुझे ये दो गोलियां खानी है पाँच दिन हफ्ते में पूरी जिंदगी के लिए जो कि और ज्यादा सैड था जब आप uh, को कोई डिजीज डायग्नोज होती है जो लॉन्ग चलेगी क्रॉनिक है बहुत लंबी चलेगी एंड आपको पता नहीं आप और ज्यादा दुखी हो जाते हैं एंड जब आप दुखी हो जाते हैं तो स्ट्रेस होता है स्ट्रेस के साथ ये जो बीमारी है वो दो तीन चार गुना और ज़्यादा बढ़ जाती है पर अब स्ट्रेस को कैसे कम करें कोई बोलेगा कि स्ट्रेस मत लो पर कैसे आप नहीं स्ट्रेस लेंगे बिकज आप पेन में हैं आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा दुख रही है और आपकी जिंदगी पूरी उल्टी पुल्टी हो चुकी है और अगर कोई कहेगा कि स्ट्रेस ना लो कैसे ना लो आप कितना प्लान करते हैं कि फ्यूचर में मैं ये करूंगा ऐसा होगा पर आप अब आपको सारे सपने टूटते हुए नजर आते हैं तो आप बहुत स्ट्रेस लेते हैं ना चाहते हुए भी सो so, मेरे लिए है कि मैं बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इंसान हूँ मैं हर चीज में पॉजिटिव हो ही जाती हूँ कुछ अगर मैं दुखी भी होंगी शाम तक मैं ठीक हो जाती हूँ पर ओवर मैं बहुत करती हूँ बहुत ज्यादा मैं सोचूंगी ऐसा होगा तो ऐसा होगा ऐसा हो जाएगा तो ऐसा होगा बहुत सारी सिचुएशन मैं मन में भी बना लेती हूँ जो चीज शायद फ्यूचर में नहीं भी होगी मोस्टली ऐसे होता है कि चीजें फ्यूचर में नहीं होती हैं पर हम बहुत ज्यादा मन कड़त कहानियां बना लेते हैं कि ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसे मैंने भी किया होगा तब पर ये भी मेरे में अच्छी चीज है कि मैं जल्दी पॉजिटिव हो जाती हूँ सो याद दवाई मैंने खानी शुरू कर दी पर कोई फर्क नहीं पड़ा पर डॉक्टर ने कहा था कि दवाई को आपकी बॉडी में असर करना शुरू करने के लिए तीन महीने तो लग जाते हैं और उसके साथ उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप डाइट में कुछ चेंज करना चाहते हैं वैसे उसने कुछ मना नहीं किया क्योंकि डॉक्टर्स मना नहीं करते डोंट केयर वैसे मेरी डॉक्टर बहुत अच्छी थी मुझे बहुत अच्छी तरह सुनती भी थी देसी भी थी एंड वो देसी चीजें बताएगी कि तुम मेडिटेरियन डाइट खाओ कि ज्यादा सब्जियां खाओ ज्यादा ऐसी चीजें खाओ मैंने उससे बताया कि हम प्रोसेस फूड बहुत कम खाते हैं डब्बे में कैन में पैकेट वाली चीजें बहुत कम खाते हैं पर या फिर भी मैंने बहुत सारी चीजें और अपनी जिंदगी में शामिल की और बिकॉज मुझे रिसर्च करना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है एंड मुझे लगा कि मैं अपनी सिचुएशन को कैसे बेहतर बनाऊ मैंने बहुत रिसर्च की कि किस तरह से अपनी हालत को सही किया जाए सो डाइट उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जिसमें मैंने अपनी डाइट में बहुत सारी आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स खाना शुरू कर दिया जैसे बॉसवेल है गुगल है अश्वगंधा है एंड और भी बहुत सारी चीजें मैंने गार्लिक भी खाया गार्लिक की टेबलेट खाई क्योंकि ज्यादा असर हो जिंजर की अमाउंट बढ़ाई अपने फूड में और जिंजर की गोली लेना भी शुरू किया एंड ऑल्सो ये सारी चीज मैं बहुत बैलेंस में कर दी थी ऐसे नहीं की आप मुठिया पर, पर चीजें खाना शुरू कर दो मच्छी के तेल के कैप्सूल बहुत अच्छे हैं आपके लिए एंड ऑल्सो हल्दी आती है काली मिर्च के साथ कुरकमीन विद ब्लैक

मेरे साथ एक घंटा एक बात करती थी हर एक मंथ में एक बार और फिर मैं उसे अपनी सिचुएशन बता दी थी, थी कि मैं बहुत पेन में हूँ एंड मेरी पेन कोई समझ नहीं पा रहा है मैं क्या करूँ तो वो मुझे बताती थी, थी कि तुम ग्राउंडिंग की एक्सरसाइजेस करो जैसे हमारे इंडिया में योगा है या फिर मेडिटेशन या चौकड़ी मार के मिट्टी पर बैठना कैसे मैं अपने पंजों को यूज़ करूँ पार्क में जाके हाथ लगाऊँ स्मेल करूँ फील करूँ लाइक ग्राउंडिंग एक्सरसाइज जो हमें बेसिकली हर एक इंडियन को आता है वो जरूर से करें आप भी किसी भी डिजीज के साथ डील कर हैं इससे आपको बहुत ज्यादा पीस मिलेगा और धरती में ना एक ऐसी ताकत है जो आप को रिचार्ज कर सकती है रिजेवनेट कर सकती है एंड आपकी चीजें अपने अंदर ले सकती है एक ग्रेविटी है उसमें ग्राउंडिंग की चीजें करा करें अगर आपको गार्डनिंग का शौक है अपने हाथ से मिट्टी को टच करें मिट्टी में प्लांट्स लगाए यू नो कुछ भी आप देखेंगे कि बहुत डिफरेंस आपको फील होगा एंड उस थेरेपिस्ट जैसी लेडी थी जो ऑर्गेनाइज

से सल्यूशन मत बताया करो क्योंकि उसे सल्यूशन नहीं चाहिए सोल्यूशन उसे मैं भी दे दूंगी तुमसे सुना करो क्योंकि उसे यही बहुत अच्छा लगेगा कि कुछ सुन रहा है क्योंकि अगर हस्बैंड कहेंगे ना मैं रोंगी या सैड होंगी एंगजाइटी बहुत होती थी मुझे एंड अब मुझे पता चला है कि वो एंगजाइटी एक्चुअली मुझे तब क्यों हो रही थी सो so, उसने हस्बैंड को कहा कि इसे सल्यूशन मत दो इसकी बातें सुन लो इसके अंदर से निकल जाएगा उसे अच्छा फील होगा एंड फिर इन एंगजाइटी अटैक होते थे मुझे लाइक like अचानक से मैं बहुत 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 रोऊंगी एंड या बहुत समय हो गया कि मुझे एंगजाइटी अटैक नहीं हुआ है बट अब मैं स्पिरिचुअलिटी के पास में बहुत अच्छी पोजिशन पे हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे एंगजाइटी अब नहीं आएगी और एंगजाइटी अटैक्स होना यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर देती हूँ वो एक तरह का साइन है कि आपका जो मूलाधारा चक्र है जो बिल्कुल स्पाइन के एंड में हमारा पहला चक्कर है जो हमारी बॉडी में सबसे नीचे बनता है वो एक्टिव हो रहा होता है क्लीन हो रहा होता है तब आपको बहुत एंग्जाइटी अटैक आते हैं जब आपको पता भी नहीं है कि कॉज क्या है सो so, जो मेरी डिजीज़ है हमारी बॉडी में सेवन चक्रास हैं और हर डिज़ीज़ किसी ना किसी चक्रा के साथ रिलेट करती है आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आपका चक्कर ब्लॉक है जिसकी वजह से आपको ये बीमारी हुई है अभी मेरी बीमारी में जो मैंने मेरी रिसर्च में ढूँढा था वो ये था कि मेरा मूलाधारा ब्लॉक था एंड उसमें ट्रामा था बचपन का बचपन का कोई व... ऐसी चीज़ें जैसे मैं बहुत छोटी थी जब मेरे डैड की डैथ होगी मैं बहुत ज़्यादा इनसे सेफ नहीं फील करते थे हम लोग पता नहीं कल कैसा आएगा थर्टी इयर्स पहले इंडिया में हस्बैंड के बिना जिंदगी जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि ज़्यादातर औरतें पति पे डिपेंड करती थी आजकल पति आजकल लेडीज इंडिपेंडेंट है तो हमें पता नहीं था हमारा आने वाला दिन कैसा होगा जिसकी वजह से मुझे मुझे लगता है कि मैं सेफ नहीं फील करती थी और वैसे भी जो आपका रूट चक्रा है वो सत साल तक वो सिर्फ़ वही चक्रा होता है आपकी बॉडी में और जो भी सात साल की उम्र तक आपको ट्रॉमा मिलेगा जो भी आपके वायलेशन होगी आपकी चीज़ों के साथ कोई भी सॉल्ट होगा वो उसमें बस जाता है और बहुत ट्रामाटाइजिंग एक्सपीरियंस रहता है और लेटर वो ऑटो इम्यून कंडीशन बन जाता है बहुत सारे लोगों को रोमोटाइड आर्थराइटस हो जाता है मैंने इसके बारे में पहले भी बहुत बार बताया है कि अगर आप रोमोटाइड आर्थराइटस से डील कर रहे हैं आपका रूट चक्रा इम्बेलेंस है आपके साथ जरूर बचपन में कोई हादसे हुए होंगे एक्चुअली मैं पास्ट लाइफ में भी बिलीव करती हूँ तो बहुत सारी चीजें तो हम पास्ट लाइफ से ही लेके आते हैं जो आपके रूट चक्रा में बैठी रहती है एंड जब आप उसको हील करना शुरू करेंगे तो आपको एंगजाइटी अटैक आते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा आप क्यों रो रहे हैं एक्चुअली वो क्लेंस हो रहा है वो सारा कुछ निकल रहा है सो उन दिनों में एक्चुअली मेरा रूट चक्रा क्लीन हो रहा था सो याद चक्रास के बारे में मैं आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी फ्यूचर की किसी वीडियोज में ताकि हम लोग हमारी ये जो हिंदुस्तान नॉलेज है विजडम है चक्रास उस पर काम करें तो बहुत सारी बीमारियां हील हो जाती हैं बहुत सारी सिचुएशन ठीक हो जाती है और बहुत अच्छा हैप्पी फील करते हैं आप स्पिरिचुअली भी ग्रो करते हैं जब आपके चक्रास क्लीन होते हैं एक्टिव तो वो होते ही हैं क्योंकि अगर वो एक्टिव नहीं होंगे तो आप जिंदगी नहीं जी सकते हैं वो एक्टिव होते हैं पर ब्लॉक होते हैं हम हमको ब्लॉकेज हटाना है क्लीन करना है एंड उनको पूरा अच्छी तरह वो चक्कर चले एंड देन फिर आपकी एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ सकती है पर अगर आपके चक्रास ब्लॉक है तो आपकी एनर्जी ऊपर की तरफ नहीं जाती है जो कि हमारी स्पिरिचुअलिटी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहला स्टेप है ध्यानों के लिए सो so, यहाँ पता नहीं कितने सी एंगजाइटी मेरी रूट चक्रा की वजह से हो रही थी एंड आपको भी अपने रूट चक्रा पर ज़रूर से काम करना चाहिए ताकि आप भी अपनी बीमारी को हील कर पाएँ पर आपको जानना है कि आपकी बीमारी किस चक्रा से रिलेटेड है रूट चक्रा को हील करने के लिए ग्राउंडिंग चीज़ें बहुत बेटर है क्योंकि वो हमारी स्पाइन का सबसे नीचे है ग्राउंड है जैसे जड़ें होती हैं जैसे जड़ें निकलती हैं किसी बीज में से वैसा ही है अगर आप चौकड़ी मार के ग्राउंड पे बैठ जाते हैं और आपका रूट चक्रा इतना खिल जाता है ना उसको बहुत अच्छा फील होता है एंड और भी बहुत सारी चीज़ें रूट चक्रा का जो कलर है वो लाल है सो so, लाल कलर को खाना जैसे बीटरूट हो गया टमाटर स्ट्रॉबेरी एंड लाल रंग को पहनना उसको हील करने के लिए बहुत मदद करता है एंड ये फील करना आप बहुत ज्यादा सेफ है बहुत अच्छी सिचुएशन में है आपके पास छत है सब कुछ है एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनी थिंग जब आप सेफ फील करना शुरू कर देते हैं तो आपका रूट चक्र बैलेंस होना शुरू कर देता है अभी इन सारे चक्र के अलग अलग से मंत्रास भी हैं पर अगर आपके पास कोई भी अच्छा मंत्र आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं जैसे ओम नमो शिवाय तो आपको कोई भी चक्र का मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है वो खुद से ही होना शुरू हो जाते हैं तो so, मंत्रा चैंटिंग से अगर आपको चक्रा के मंत्रा ही पढ़ने हैं आप किसी डेटी में विश्वास नहीं करते हैं तो मैं आपको बता दूंगी कि रूट चक्रा के लिए आपको कौन सा मंत्र पढ़ना है यहाँ पे छोड़ दूंगी सो ये चीजें एक्चुअली वर्क करती हैं आप मेरी हालत में देख सकते हैं कल वाली में और आज वाली में ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है ये बहुत इफेक्टिव है जब आप अपने आप को स्पिरिचुअल दुनिया में ओपन कर लेते हैं ना आपको पता चलता है कि ये जो आपको नंगी आँखों के साथ दिख रहा है ये सिर्फ यही नहीं है बंद आखों के साथ और बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए और आप हैरान हो जाएंगे कि रियालिटी एक्चुअली कुछ और ही है आई डोंट नो कब बता पाऊंगी मैं आपको बट यस yes. जितना आपको दिखता है बस उन्ना नहीं है और बहुत सारी चीजें हैं सो so, अगर आप ये एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि विश्वास के साथ करना है भाव के साथ करना है यही नहीं है कि बैठ गया ग्राउंड पे पर आपके अंदर विचारा किए गया है, तो वो वर्क नहीं करेगा वो वर्क इसीलिए करेगा जब आपका हंड्रेड परसेंट विश्वास होगा कि यस ये मुझे हील कर रहा है तो हो जाएगा सो so, आपको वही मिलेगा जो आप अट्रैक्ट करते हैं सो so, ये हो गया ऐसे मैंने मेरी बॉडी को हील किया खा के लाइफ को चेंज करके सोच को चेंज करके एंड जो भी मेरे अंदर ड्रामा था उसको हील करके एंड जैसे इनर चाइल्ड वूंडेड होता है तो रूट चक्र इम्बेलेंस होता है सो so, अगर आपके पास कोई बंदा है जिसने आपके साथ बचपन में बुरा किया है अगर आपको पता है तो उसको फॉरगिव कर दें फॉरगेट नहीं करना है फॉरगिव करना है एंड uh, आप भी उसकी आत्मा से माफी मांगें आप भी उसको फॉरगिव कर दें एंड अपनी डिजीज को अपने कंट्रोल में ले लें खाने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए कि आप क्या खाते हैं कोशिश करें कि बहुत छोटे छोटे पोर्शन खाएं एंड एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि सोने से तीन चार घंटे पहले खाना बंद कर दें क्योंकि जितना आपका पेट खाली होगा उतना ही आप हेल्दी फील करेंगे उतना ही आपकी जो बॉडी है जो उसका नेचुरल गुण है अपने आप को हील करने का वो कर पाएगी सो so, बॉडी इतना ज्यादा समय लगा देती है आपका फूड को बचाने के लिए कि वो हील क्या करेगी सो so, खाने का बहुत ज्यादा ध्यान रखें एंड किसी भी किस्म की स्पिरिचुअलिटी को जरूर से फॉलो करें आप अगर स्पिरिचुअलिटी को फॉलो नहीं करते तो ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस अलग से है वो आपको करनी ही चाहिए अपने बॉडी को बैलेंस करने के लिए क्योंकि जो बॉडी ने अर्थ से फाइव एलिमेंट्स लिए हैं अपनी बॉडी को बनाने के लिए वो हमें यहीं से मिले हैं जब आप एलिमेंट्स के साथ कनेक्शन बनाते हैं तो हीलिंग आती है जैसे पानी के पास जाके बहुत हीलिंग फील होता है बहुत सूदिंग होता है जैसे ग्राउंड है हवा है स्पेस है आपको उन एलिमेंट्स के साथ समय ज़रूर से बिताना चाहिए जैसे अग्नि है वो आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग देती है जैसे हम हवन करते हैं या फिर कोई भी और ज़्यादा बहुत सारे रिचुअल्स हैं जो हम आग को लेके करते हैं उससे बहुत हीलिंग आती है इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाएगी आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि क्या करें मैं आपको एंड में फिर से एक दो बार बता दूंगी आपको क्या क्या करना चाहिए अगली चीज़ है कि स्परिचुअलिटी में ज़रूर से आएँ क्योंकि हमारे इस जन्म का इस धरती पर आने का मेन मकसद स्परिचुअल होना ही है वो जितनी जल्दी आप जान लेंगे उतना अच्छा है पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका इस लाइफ में शायद मकसद नहीं होगा क्योंकि आप जब इस तरफ आते हैं वो भी भगवान की इच्छा ही होती है अदरवाइज सारे लोग की पुल्ले पुल्ले घूमते रहते हैं हो रही चीज़ों में सो इस तरफ ध्यान आना भगवान की तरफ वो जब वो आपका ध्यान अपनी तरफ लेके आते हैं आप अब बहुत ज़्यादा लकी हैं अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं तो किसी भी स्पिरिचुअलिटी को जरूर से फॉलो करें आप कुछ भी कर सकते हैं स्पिरिचुअलिटी में आप मंत्र जाप कर सकते हैं वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु बोल सकते हैं एंड आप पढ़ सकते हैं जो भी हमारा लिटरेचर है जो भी हमारे ग्रंथ हैं जैसे शिव पुराण है वेद हैं उपनिषद हैं गुरु ग्रंथ साहब जी आ जब जी साहब भी पढ़ने वाला मटेरियल पढ़ो रब दी री करो उनकी करो कि वो कितने महान हैं और या फिर मंत्र जाप करो या उनका नाम जाप करो मंत्र होता है जैसे ओम नमो शिवाय नाम होता है जैसे आप शिवा 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 कर रहे हो या फिर वाईगु, 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 वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु अल्लाह 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 जो भी मेनु नहीं पता कि सारे कैसे कैसे नाम लेते हैं उनका नाम ले हर चीज उसी में काउंट होती है ये सारा कुछ कोशिश करो कि आप पांच दस मिनट चौंकड़ी मार के करो चौंकड़ी मार के आसन में बैठे हाथ पागे जैसे गुरुद्वारे में ऐसे बैठते ना बहुत अच्छी पोजीशन है ये अगर आप ये अंगूठों को ऐसे कर लेंगे तो बहुत अच्छा ट्रायंगल बन जाएगा क्योंकि ट्रायंगल इतना ज़्यादा स्ट्रांग सॉलिड जोमेट्रिकल फिगर है जो कि कॉस्मिक एनर्जी को लेने के लिए सबसे बेहतर काम करता है इससे वो बनता है चौकड़ी से वो बनता है एंड आप कॉस्मिक एनर्जी को अपने अंदर लेंगे इस चौकड़ी में आप ध्यान कर सकते हैं सिर्फ अपनी सांसों पे कंसंट्रेट करें थॉट्स uh, को कंट्रोल करने की कोशिश मत करें और ये जो चौंकड़ी है आपकी कोशिश करें कि आप इसमें अपनी उम्र के हिसाब से आपकी उम्र कितनी है अगर आप दस साल के हैं तो दस मिनट बैठे तीस साल के हैं तीस मिनट पचास साल के तो पचास मिनट इतना टाइम आप मंत्र जाप या नाम जाप कर सकते हैं करें फिर आप थोड़ा ध्यान भी करें वैसे ध्यान कहते हैं कि आपको उतना करना चाहिए जिस जितनी आपकी उम्र है ध्यान है कि आपको कुछ भी नहीं करना है शून्य की अवस्था में जाना है जो कि मुश्किल है पर धीरे धीरे हो जाएगा जब आप चौंकड़ी मार के मंत्र जाप करते रहते हैं धीरे-धीरे आप शून्य की अवस्था में पहुंच जाएंगे ये स्पिरिचुअल बातें हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं इसको किसी और वीडियो में करेंगे इसमें हेल्थ की कंसर्न ये है कि स्पिरिचुअलिटी आपकी हेल्थ को भी बेहतर कर देती है क्योंकि जब आपने सारे लेसन ही लर्न कर लिए कि फॉरगिविंग कर दिया तो हेल्थ तो हो ही जाएगी आपकी सही बट या हेल्थ बहुत सारे कार्मिक कनेक्शंस एंड कार्मिक डब की वजह से भी आती है सो so, जो आपको पे ऑफ करनी ही पड़ती है यह है कि स्पिरिचुअल बंदे पे वो थोड़ी सूक्ष्म हो सकती है या फिर स्पिरिचुअल बंदे को पावर ऐसी मिल जाती है कि वो सह लेता है वो इतना ज़्यादा रोता नहीं है क्योंकि कई लोग होते हैं ना कि उनको छोटी सी खरोच आएगी और बहुत रोएंगे और किसी की बाँ भी कट होगी तो वो बहुत ईजिली डील कर लेता है सो so, स्परिचुअल बंदे के साथ ऐसा होता है कि उसे सहने की शक्ति मिल जाती है सो so, इस तरह मैंने हील किया है मेरी बॉडी को आप देख सकते हैं कि मैं कैसा हूँ फील कर रही हूँ ओ अब आते हैं उस बात पर कि मैंने आपको बताया था कि मैं डॉक्टर के पास जाने वाली हूँ सो मैंने डॉक्टर के पास गई थी लास्ट मंथ के एंड में एंड मैंने सारे ब्लड टेस्ट करवाए एक्सरे कराए अल्ट्रासाउंड कराए एंड मेरा ब्लड बिल्कुल साफ आया है सो गुड एंड मैंने दवाई खाना बंद कर दिया था पिछले एक दो महीने पहले एंड ऑल्सो uh, ब्लड बिल्कुल सही आया एंड uh, डॉक्टर ने कहा कि एक्सरे भी बिल्कुल सही आए हैं और मैंने उससे कहा मैंने दवाई नहीं खाई है एंड शी सेट की तुमने दवाई खाना क्यों बंद किया मैंने कहा कि मेरे मन ने कहा कि छठ मत खा पर शी सेड की तुम्हें तो बंद नहीं करना चाहिए ऐसे करो कि एक एक गोली खाना शुरू कर लो पहले मैं दो खाती थी हफ्ते में पांच दिन एंड शीशेट की एक एक खाओ धीरे धीरे एक को भी फिर चार दिन कर देना तीन कर देना दो एक ऐसे ऐसे कम करना पर अभी मैंने शुरू नहीं की है मतलब कितने दिन हो गए दस पंद्रह मुझे डॉक्टर से मिले कोशिश करूंगी कि मैं खाना शुरू कर दूं दोबारा से फिर से पर अभी मैंने खाना शुरू किया नहीं है पर मैं कर लूंगी जैसे उसने बोला है पर मेरी हालत पहले से बहुत बेहतर है एंड लकी मेरे सारे टेस्ट भी नॉर्मल आए हैं एंड मैं रिमिशन में हूँ शी सेट की तुम रिमिशन में हो रिमिशन ऐसा है की इस डिजीज में एक ब्रेक आ जाती है जब आपको डिजीज का कोई सिम्टम नहीं आता आपका ब्लड किसी टेस्ट में आपका कोई डिजीज नहीं आती वो जो पीरियड है वो महीने महीने का, का, साल, साल और पूरी जिंदगी का भी रिमिशन हो सकता है मैंने किसी पिछली वीडियो में बताया था कि आ, मेरी सेहत बहुत अच्छी है आजकल एंड उन्होंने कहा था कि शायद इस वजह से कि मेरे घर में बेबी आ रहा है तो मेरे घर में बेबी भी नहीं आ रहा है दोस्तों पर रिमिशन आ रहा है रब आ रहा है घर में गॉड परमात्मा सो so यस yes, दोस्तों इस तरह मैं मेरी बॉडी को हील कर रही हूँ एंड थोड़ा मैंने हील किया है सो so आप भी ये चीज़ें फॉलो करें इनमें क्या है कि अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें आप किन लोगों से मिलते हैं क्या सुनते हैं क्या सोचते हैं क्या खाते हैं सारी चीज़ें आती हैं सप्लीमेंट्स ज़रूर से लें रिसर्च करें कि आपकी डिजीज़ के लिए कौन से सप्लीमेंट्स आपको हेल्प कर सकते हैं बस ये विटामिन सी विटामिन डी ई e, ऐसे नहीं वो भी खाएं विटामिन डी बहुत जरूरी है हड्डियों में स्पेशली जैसे ओमेगा एंड आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स को जरूर से ऐड करें अपनी जिंदगी में जैसे जैसा मोरिंगा हो गया या ऐसी औषधियाँ जो हमें हेल्प करें वो ऐड करें अपनी जिंदगी में एंड ग्राउंडिंग चीजें करें अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन करें बहुत अच्छा होगा कि अगर आप किसी स्पिरिचुअल पाथ पे चलें एंड किसी भगवान की शरण ले लें मदद करते हैं वो बहुत ज्यादा ये आपको तभी पता चलेगा जब उनकी मर्जी होगी अदरवाइज आप सोचेंगे ब्ला 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 बोल रही है ये बट या ऐसा करें एंड या वो सारी चीजें करें जो करने से आपको मजा आता है अपनी कोई हॉबीज़ जो आपको खुशी दे चीज एंड जिंदगी को भरपूर से जिए एंड कोई डिजीज अगर आ गई है चिंता मत करें एवरी थिंग गो नी ओके अगर आपको सहना भी पड़ेगा तो उसे एक्सेप्ट असे करें कि यस मेरी सिचुएशन अब ऐसी ही है मुझे ऐसे ही खुश रहना है एंड मैं रह लूंगी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है मेरे लिए या कुछ बताना चाहते हैं अपने बारे में जरूर से कमेंट बार में छोड़ें मैं आपको जल्दी मिलती हूँ नए वीडियो में अपना ख्याल रखें एंड बिल्कुल मत भूलें आप बहुत प्यारे हैं जैसे भी हैं आप इस जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं आपको सिर्फ एक सोच क्रिएट करनी है एंड उस पर एक्शन लेना है से करना मेरे चैनल को आई लव यू गाइस सो वेरी मच बाय लालू